फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। रेमडेसिविर को लेकर अजीबोगरीब हालात देश में बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल चिकित्सकों के तमाम वीडियो बता रहे हैं कि इस इंजेक्शन को नकारा जा चुका है, लेकिन हालात यह हैं कि तीमारदारों को इसके लिए दौड़ाया जा रहा है। नतीजा सामने है कि इस इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी हो रही है। इस सिलसिले में कई लोग अब तक गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इस बीच मेरठ के दो आनंद हॉस्पिटल व लोकप्रिय अस्पताल में बीती रात जिन भी मरीजों को यह इंजेक्शन लगाया गया, सभी में साइड इफेक्ट नजर आए। साइड इफेक्ट इतने गंभीर थे कि अस्पताल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। इन मरीजों को किसी तरह अन्य दवाएं देकर साइड इफेक्ट से बाहर निकाला गया। सीएमए डॉक्टर अखिलेश मोहन का कहना है कि साइड इफेक्ट की शिकायतों को देखते हुए फिलहाल कैडिला कंपनी के इस बैच के इंजेक्शन पर रोक लगा दी गई है। अब दूसरी कंपनी के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। बताया गया है कि कोरोना संक्रमित गंभीर मरीज को यह इंजेक्शन दिया जाता है। शुक्रवार रात आनंद हॉस्पिटल व लोकप्रिय समेत कई अस्पतालों में भर्ती मरीजों को इंजेक्शन लगाने के बाद उनमें रिएक्शन पाया गया। मरीजों ने बेहद तेज ठंड लगने, धुंधला दिखने, घबराहट, सांस फूलने और कमजोरी की शिकायत की। डॉक्टरों ने कारण खोजा तो पता चला कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने के बाद मरीजों की हालत बिगड़ी थी। अस्पतालों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को दी। इस बैच के सभी इंजेक्शन वापस मंगाए गए हैं। इनकी रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को भी सौंप दी गई है। सीएमए डॉक्टर अखिलेश मोहन ने यह जानकारी दी। कल मेरे संज्ञान में आया था कि जो एक कैडिला का एक इंजेक्शन आया है तो मार्केट में भी सप्लाई हुआ है और कुछ स्टोर से हमारे में से भी मिला है। कुछ लोगों को उसको लगाने के बाद ठंड लगी और बुखार चढ़ा था, जो कि दवाई दे के कंट्रोल हो गया है। तो हमने अस्पतालों को ये बोला है कि इसको इस्तेमाल ना करें, लेट अस वेट एंड वॉच, और इसकी जगह जो दूसरा इंजेक्शन है जो दूसरी कंपनी का है वो लगाएं। कितनी जगह से शिकायत आई थी? अभी मेरे पास सिर्फ दो जगह से शिकायत आई थी कल, और इसके संज्ञान ले लिया हम लोगों ने और इसको शासन को लिख रहे हैं कि इसके बारे में आगे दिशा निर्देश दें। कल अभी मेरे संज्ञान में दो तीन लोगों को ही मेरे संज्ञान में आया कि जिनको तबियत बिगड़ी थी। काफ़ी लोगों को लगाए इंजेक्शन, तो सही लोगों को लगाए, लेकिन कुछ ही लोगों की तबियत बिगड़ने की मेरे को आई थी। कोई अनहोनी नहीं हुई है, हल्का सा जैसे कभी जो रिएक्शन टाइप का छोटा मोटा जैसे होता है, कुछ बहुत से लोगों को इंजेक्शन लगने के हो जाता है, तो उस तरह का था। अनहोनी इससे अभी तक मेरे संज्ञान में कोई नहीं। स्टॉक कितना था सर जो इसको रोक दिया गया? हमारा स्टॉक पूरा ख़त्म हो गया था लगभग, रोका नहीं गया है और फिलहाल लोगों को बोल दिया कि इसको ना लगाएं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।